साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लाइव लिए चलते हैं। आज मैं सुबह अभी शहबाज शरीफ साहब से भी हमारे कुछ और भी दोस्त साथी बैठे हुए थे, नीचे ही बैठे हुए थे, मैं काफ़ी देर का नीचे ही बैठा था, कुछ लोगों से मुलाकात थी, तो बात हो रही थी कि आज सुबह मैं पढ़ रहा था, देख भी रहा था कि चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात किस तरह से अब आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं, और वज़ीरे आज़म हिंदुस्तान जो है वो चाइना का दौरा कर रहे हैं, तो देख के कुछ ऐसा ख्याल पैदा हो रहा था कि हमारा एक 1990s में हमारा चीन के साथ जो नहीं हमारा हिंदुस्तान के साथ जो मुआजना होता था वो 1-4 होता था। आसन इकबाल साहब मेरे ख्याल है कि इससे मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि शायद आज जो है वो 1-8 है, मैं 1-7 कहने लगा था लेकिन इन्होंने दुरुस्तगी की 1-8 है। और अगर यही कुछ रहा, इसी तरह से हम इन्हीं अपना मसाइल का शिकार रहे, तो ये मुआजना जो है, ये जो दोनों मुल्कों का जो है, ये खुदा ना खास्ता 1-20 भी जा सकता है। वैसे यानी कि अगर यही हालात रहे इस मुल्क के कि हम एक कदम आगे और दो पीछे जाते रहे, जैसे कि हमारे पिछले 70 साल जो हमारे गुजरे हैं, अगर खुदा ना खास्ता हमने अगले 70 साल भी ऐसे गुजार दिए, तो फिर क्या मुकाबला और क्या मुवज़ना फिर हमारा रहेगा इस खित्ते में किसी के साथ भी। आज तो बांग्लादेश की करेंसी भी आपके करेंसी के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है, श्रीलंका की बांग्लादेश की करेंसी भी आपके करेंसी के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है, श्रीलंका की करेंसी आपकी करेंसी के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है, और नेपाल की करेंसी आपकी करेंसी से ज़्यादा मजबूत है। नेपाल एक छोटा सा मुल्क है। पाकिस्तान का दर्द है, हमें तो हमारे मुंह से ये बातें निकलती हैं, कोई अपने हमारे साथ क्या गुजर रही है वो तो गुजर रही है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो ऐसा नहीं गुजरना चाहिए, पाकिस्तान के साथ तो अच्छी गुजरनी चाहिए। हम तो अपनी ज़ात में अपनी या जो कुछ भी भुगत रहे हैं उसको बर्दाश्त पहले भी किया है, 90s में भी किया है, पिछले दहाई में भी किया है, आज भी कर लेंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है? यहाँ 22 करोड़ अवाम किस कैफियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आइंदा कैसे गुजारेंगे, क्या आप इसकी कोई आप सोच सकते हैं? कौन नहीं जानता कि हमारी 4 सालों में पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल थी रुपया, जैसे ये फैसला आया तो आज डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान की जो रुपया है वो 120 के लगभग पहुंच गया है। हमारी स्टॉक मार्केट 53,000 पे थी जब सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन फैसला अभी आया था, तो फैसले के बाद यानी कि चंद हफ्तों में 37,000 पे गिर गई। और आप जानते हैं कि हमारी तरक्की की रफ्तार और शरह जो है वो अगर 7% से ऊपर नहीं जाती तो हम अपने मसाइल पे काबू नहीं पा सकते। हमने 3.9 पे इनहेरिट किया था तरक्की की शरह को, अल्लाह के फजल से उसको हम 5.8 पर ले गए, लेकिन जो फोरकास्ट है अगले साल की इन हालात में IMF की, मैंने पिछले दोनों पढ़ा था, उन्होंने कहा जी कि अगले साल 4.9% पर हम आ जाएंगे। अच्छा भला तरक्की करता हुआ मुल्क जो है वो अब दोबारा पीछे की तरफ लौट रहा है। ये सब बातें जो हैं ये बड़ी सोचने वाली बातें हैं, और मैं समझता हूँ कि ये यकीनन जो हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और जो आप देख रहे हैं जो केस मेरे ऊपर जो बनाया हुआ है उस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, और उसकी अपना रोज़ आप दास्तानें पढ़ते हैं अखबारों में, आप रोज़ पढ़ते हैं इसमें देखते हैं टेलीविज़न पे, यानी कोई जो है ना उस केस के अंदर कोई सब्सटेंस ही नहीं है। कोई जो आए हैं अपना वहाँ पे जो गवाहों की गवाही आपने देखी होगी और सुनी होगी, उनकी गवाही तो उल्टा मैं समझता हूँ कि वो हमें हमारी मदद कर गए हैं वो, तो मुझे इससे घबराहट नहीं है,
मुझे घबराहट नहीं है, इंसान के ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, पहले भी आई हैं, और इस मुल्क के अंदर हमें जो है वो एग्जाइल में भेज दिया गया, मुल्क से बाहर कर दिया गया 7 साल, 7 ईयर्स, 7 साल कोई छोटी मुदत नहीं होती। तो और उसके बाद फिर आप हमें, मुझे 14 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, वो भी किसी जेल में नहीं बल्कि किले में। तो खुदा ना खास्ता अगर फिर उसी किस्म की हरकत ये करना चाहते हैं तो उसका तो मेरे पास इलाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खौफ ज़्यादा नहीं कर सकते। मुझे खौफ ज़्यादा नहीं कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे डरा नहीं सकते अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने क्या डरना है भाई, मैं समझता हूँ कि इन जुल्मों के आगे और इस तरह के इकदामात के खिलाफ और इस तरह के ज़्यादतियों के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा होना चाहिए, ये मेरा ईमान है। और हम खड़े होंगे तो हमारे अगले 70 साल पिछले 70 सालों से बेहतर होंगे। मुझे तो बताएं ना, मैं तो चले जी एक बंदा हूँ, लेकिन यहाँ पर कौन सा वज़ीर आज़म है जिसने अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी की हो इस मुल्क के अंदर? ये जो थे अपना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, इन्होंने भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं की बतौर वज़ीर आज़म। ये भी 1.5-2 साल पहले सदर थे, सदर के बाद ये फिर वज़ीर आज़म बने, तो बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने भी 5 साल अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। कौन सा बेनज़ीर भुट्टो ने की, लियाकत अली खान ने की, दूसरों ने की, नवाज शरीफ ने की, अभी तीसरी मरतबा अल्लाह ताला ने आपकी वोटों से नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, तीसरी दफ़ा भी मुद्दत नहीं पूरी कर सका। ये ऐसा कुछ तो पाकिस्तान में होता है और हुआ है, कहीं और तभी मैंने देखा नहीं है। हमारे हमसाए मुल्कों में भी आईन और कानून की पटरी से कोई नहीं उतरता, यहाँ पर तो आईन और कानून को कुछ समझा नहीं जाता, अपने जूते की नोक पे रखा जाता है। और फिर 3 पिलर्स हैं स्टेट के, अदलिया है, मुकन्ना है यानी पार्लियामेंट, और एग्जेक्टिव है हुकूमत। आज कहाँ है हुकूमत की रेट मुझे बताएं। मैं शहबाज साहब से पूछता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कि कोई रिट है आपकी, इनसे भी पूछता हूँ, इनसे भी पूछता हूँ, वो बैठे हैं मेरे साथ, उनसे भी पूछता हूँ, कोई अथॉरिटी है आपकी बतौर वो हुकूमत? पार्लियामेंट की कोई इस वक्त वक़्त है? मोहतरम मुशर्रफ साहब, ये नए आइन, इसकी जितना मर्जी इसको चीर फाड़ करें, इसकी जो आप अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, तरमीम लाना चाहते हैं, आप लाएँ, हम आपको इख्तियार देते हैं। ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये एक बड़ी रियासत है, 5वें-6वें नंबर पे है दुनिया में आबादी के लिहाज से, यहाँ 22 करोड़ मखलूक रहती है, उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती, क्या आप अपना बिल्कुल अपने ज़ात के लिए मुल्क को भी कुर्बान कर रहे हैं, रियासत को भी कुर्बान कर रहे हैं, यहाँ की 22 करोड़ मखलूक को भी कुर्बान कर रहे हैं, आइंदा आने वाली नस्लों को भी तबाह कर रहे हैं सिर्फ अपनी ज़ात की खातर, उस चापलोसी के लिए जो आप मुशर्रफ के लिए कर रहे हैं? यानी ये सब सोचने वाली बातें हैं। और अब क्या ये जो बातें मैंने अभी आपके सामने की हैं, ये क्या इन सब चीज़ों को हम सिर्फ खड़े होकर देखते रहेंगे या इसके खिलाफ कुछ स्टैंड भी लेंगे, या किसी असूल पे खड़े भी होंगे हम, या इसका मुकाबला भी करेंगे? नहीं करना तो फिर मुझे, नहीं करना तो फिर मुझे इस मनसब पे, आपको इस मनसब पे बैठने का कोई हक नहीं है, अवाम की नुमाइंदगी का कोई हक नहीं, अवाम की नुमाइंदगी का कोई हक नहीं है, यकीन मानिए कोई हक नहीं है, हम इस काबिल नहीं है फिर कि हम अपना ऐसे मनसब पे बैठें या कहें कि जनाब ठीक है जो हो रहा है हो रहा है,
लाओ भी मेरे नॉमिनेशन पेपर फाइल करो, जज साहब मैंने इलेक्शन लड़ना है। कोई फ़ायदा नहीं है आपके दिल के अंदर, अगर इस मखलूक की ये इज़्ज़त है और ये कदर है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ख्याल है हमें अभी अपने सोचों को, अपने जहनों को और अपने जो फ़िक्र है उसको तब्दील करना होगा। अगर हम पिछले 30-40-20 साल की सियासत में अगर हम उसमें कोई काबिले ज़िक्र किस्म की कोई रिफॉर्म नहीं ला सकते तो शायद आज वो दिन आ गया है कि मुझे और आपको अपने माजी की जो कुछ भी है उससे उसकी तलाफ़ी करनी चाहिए, अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए और अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात से और इस मुल्क के अवाम से एक अहद करना चाहिए। आप करके देखें इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप ये अहद करके देखें तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इसकी नस्लें इंशाल्लाह बदल जाएंगी और ये बहुत बड़ी खिदमत होगी, इबादत होगी। इसी के नतीजे में अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह ताला अगले जहां में भी नवाजेगा और इस जहां में भी नवाजेगा कि आपने इस मखलूक की खिदमत की है, मखलूक के लिए आपने स्टैंड लिया है। स्टैंड लेने में तकलीफ़ें आती हैं, छोटी मोटी आती हैं, आएंगी। मैं भी उन तकलीफ़ों से गुजर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आज से 10-20 दिनों के बाद मेरा मुस्तकबिल क्या होगा और मैं कहाँ हूँगा, लेकिन जहाँ भी हूँगा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि मेरे इस नज़रिए और मेरे स्टैंड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने अपने मुल्क को बदलना है, अपने मुल्क की तकदीर को बदलना है, आइंदा आने वाली नस्लों की खिदमत करनी है तो फिर हमें अपना रास्ता बदलना होगा। ये सारा 70 साल हम एक क्या कहना चाहिए, अल्फाज भी मुँह से निकालने को दिल नहीं करता, लेकिन एक रुसवाई वाला दौर गुजारते रहे हैं और रुसवाई के दौर से गुजरते रहे हैं और इसमें कई दफ़ा हमने ज़िल्लत उठाई, कई दफ़ा ऐसे मौके भी आए कि जहां हम सबक सीख जाते तो बेहतर होता। 1971 था एक ज़माना जब हमने देखा कि हमारी गलतियों का ये खमियाजा हमें भुगतना पड़ा कि हमने अपने एक विंग से, एक बाजू से, ईस्ट पाकिस्तान से हम हाथ धो बैठे हैं, उसको बांग्लादेश बना दिया और उसके बाद इस पाकिस्तान के अंदर भी उसी पॉलिसी को जारी रखा जिसकी वजह से बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश तो संवर गया, आज उसका आज टका जो है, जो करेंसी है टका, वो पाकिस्तान के रुपए से ज़्यादा मजबूत है। आपके वतन से पैदा हुआ बांग्लादेश और आज वो आपसे आगे निकल गया है और वो तरक्की के मैदान में भी आपसे आगे है। तो क्या फिर हमें, अगर ऐसा है इस खत्ते में हम सबसे पीछे इस वक्त रह रहे हैं, तो क्या फिर हमें अपने गिरेबान में अपने मुंह ढाल के झांकना चाहिए या नहीं झांकना चाहिए? अगर नहीं झांकेंगे तो खुदा ना खास्ता ये रसवाई हमारा मुकद्दर रहेगी और कभी भी हम इस्लाह नहीं कर पाएंगे। ये है वो, इसलिए ये है वो दर्द जिसकी वजह से मेरी ये बातें मेरे मुंह से निकली हैं और आज जब हम ये अल्लाह के फजल व करम से नारा लगाते हैं वोट को इज्जत दो तो लोग उसको गौर से सुनते हैं। ये नारा माशाल्लाह आज पाकिस्तान के घर घर में पहुंच गया है। ये लोगों को भी हमने बताना है कि भाई आपकी वोट की कोई इज्जत है, वो इज्जत आप करवाएं और हम उनके नुमाइंदे हैं, वो इज्जत का है और एहतराम हमें भी मलूज़े खातर रखनी चाहिए और उनको भी बताना चाहिए। उनको बताने के बाद हमें खुद भी उस पर अमल करना चाहिए, खुद भी। तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये नारा अल्लाह के फजल करम से घर घर जा चुका है। अब इस नारे पे हमने अमल करवाना है और हमने खुद भी अहद करना है, लोगों को भी यही मैसेज देना है
और लोग इंशाल्लाह बिल्कुल चलेंगे। मैंने जो इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए रास्ते में जो मंजर देखे हैं वो मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने पहले कभी नहीं देखे, अपनी सियासी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। जो उसके बाद फिर जहाँ जहाँ मैं गया हूँ और लोगों से मैं मिला हूँ जलसों की सूरत में, मैंने इस तरह के जज्बात कभी पहले नहीं देखे। मैं बिल्कुल आपको सच बात बता रहा हूँ, ये जज्बात सेंटिमेंट्स मैंने पहले कभी अपनी सियासी ज़िंदगी में और सियासी तारीख में नहीं देखे जो मैंने आप देखे। तो ये एक उम्मीद की किरण है हम सब के लिए, उम्मीद की किरण है। आवाम आपका साथ देने के लिए आपके साथ खड़ी है, तो इसको हम क्या समझें? ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है और फजल है, जो अल्लाह की बड़ी नेमत है ये कि उसके वो उधर वो कर रहे हैं, इधर अल्लाह ताला आपके साथ पाकिस्तान की पब्लिक को जोड़ रहा है और वो आपके लिए बिल्कुल मैदान अमल में निकले हुए हैं। अगर अब भी कोई ना समझे तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। इसलिए आज एक डिफाइनिंग मोमेंट है, तब्दीली का वक्त आ गया है और हमें अब सबको खड़े हो जाना चाहिए। कौम जब खड़ी हो जाएगी, कौम का बहुत बड़ा हिस्सा जब खड़ा हो जाएगा, क्या कोई आपका बिगाड़ सकता है? मैं आपकी खिदमत में यही बातें गोश गुजार करके ये कहना चाहता हूँ कि वक्त आ रहा है इलेक्शनों का, आप अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करें। और बड़ी कोशिश की कुछ लोगों ने कि यहाँ किसी ना किसी तरीके से इनके पार्टी के बंदों को तोड़ा जाए, जो चंद एक अपना जो थे ही नहीं हमारे, वो टूटने ही टूटने थे, और जिनके जिनके बारे में हमें भी पता था कि इनको आइंदा टिकट नहीं देना चाहिए, और जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में जाके जब मेरी सदारत मुस्लिम लीग का मामला था उसमें जाके वोट ही नहीं किया, क्या उनको टिकट देना वो डिज़र्व करते हैं कि वो पार्टी से टिकट हासिल करें? तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये अब वक्त आ गया है, आप उसकी भरपूर तैयारी करें। जो सेनेट में तमाशा आपने देखा है, ये मंजर एक यानी इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? किसी मुल्क में ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह से बलूचिस्तान की गवर्नमेंट उलटाई गई, वहाँ पे खरीदो फरोख्त हुई, सेनेट का इलेक्शन हुआ, पैसे चले और पैसों से खरीद कर वोट सेनेट के अंदर पहुँचे, लोग पहुँचे, फिर वहाँ मिलकर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने तीर के ऊपर वोट लगाया, तीर पे अपने निशान लगाया, किस मुंह से वो तब्दीली का नारा लगाते हैं, किस मुंह से, किस जुबान से वो कहते हैं कि जनाब हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे? यानी मिलकर वोट खरीदे हुए वोट लेकर, और फिर कहते हैं जी वो अभी मुंह से निकल गया ना, चीफ मिनिस्टर जो ये केपीके के हैं उनके मुंह से निकल गया, खटक साहब के मुंह से निकल गया कि जी हमें, उन्होंने कहा जमात इस्लामी वालों ने कह दिया कि जी, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ऊपर से ऑर्डर आया है। अब ऊपर से ऑर्डर की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वो बनी गाला से आया, बनी गाला ऊपर है, ऊपर से मतलब आप भी जानते हैं कि नहीं जानते? ऊपर से ऑर्डर आया क्या मतलब है, क्या मतलब है ऊपर से ऑर्डर आया है? अगर हमने यार आपने मैंने भी ऊपर से ही ऑर्डर लेने हैं फिर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। छोड़ दो इमरान खान इसी सियासत, तुम ऊपर से ऑर्डर लेते हो, ऊपर से ऑर्डर लेते हो और तब्दीली की बात करते हो, ये मुनाफकत है, मुनाफकत। इससे बड़े डबल स्टैंडर्ड और कोई नहीं है। और आप बर्मला उसका इतराफ हो रहा है, बात हो रही है और कहते थे ये जरदारी जो है ना ये बीमारी है, ये इमरान खान, और उसी के तीर पे जाके फिर आपने मोहर भी लगाई। ये क्या ये चीजें जिसके पाकिस्तान की सियासत को माजी में तबाह किया है, इसको अगर कोई रोक सकते हैं तो वो आप रोक सकते हैं। इसमें आप लोग एक किरदार अदा कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये सियासत को रोकोगे तो पाकिस्तान वाकई 21वीं सेंचुरी में दाखिल होगा, अभी हम नहीं हुए।
आपको ये तय करना पड़ेगा अपने दिल से, क्या आपने इस सियासत को रोकना है। और मैं ये समझता हूँ कि आज आवाम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं आपकी बात सुनने के लिए इंशाल्लाह। और ये देखें, अभी 3 महीने इलेक्शनों में हैं, ये पाकिस्तान के नुकन कॉर्नर में ये इंशाल्लाह मैसेज जाएगा, ये फैलेगा बहुत तेज़ी के साथ फैलेगा। तो आप अपना, आप, इसलिए मैंने आपको कहा आप अहद करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। और खुदा भी आपको मालूम है कि उस वक्त तक मदद नहीं करता जब तक आप खुद अपनी मदद आप ना करें। आपने आज मदद करनी है अपनी, तो खुदा की मदद आएगी। बाकी जो माशाल्लाह अच्छे लोग हैं और जिन्होंने बड़ी खिदमत की है अपने हलकों की, शहबाज शरीफ साहब का भी बहुत ही इसमें किरदार है। मुअस्सर और बड़ा उम्दा किरदार अदा किया है, सूबे में मिसाली खिदमत की है, और सड़कें, हस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, और वो इनके गले पड़ गई हैं। खुद अपने उस मकाम पे अपने आप को लाना है। वो अलामा इकबाल का शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये लाएं, ये दिल के अंदर लेके आएं, और डरे नहीं, खौफ ना खाएं, खौफ ना खाएं। अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। कितना कोई जीलेगा उतना ही जिएगा जितना खुदा ने लिखा हुआ है। उससे पहले आपको कोई जीने से रोक नहीं सकता, दुनिया में कोई आपको जीने से रोक नहीं सकता। उस वो तो दिन लिखा हुआ है, तो जब दिन लिखा हुआ तो फिर अपनी ज़िंदगी को इज्जत के साथ गुजारो, आप दलेरी के साथ गुजारो, जुर्रत के साथ गुजारो, हक और सच के साथ चलो, बातिल के आगे खड़े हो जाओ और डट के खड़े हो जाओ। मैं अपना समझता हूँ कि आपको अब इलेक्शनों की तैयारी करनी चाहिए, और इंशाल्लाह उसके लिए जो भी हमने बाकी कार्रवाइयाँ वो ज़रूर करेंगे, लेकिन वो लोग सब जानते हैं जिन्होंने खिदमत की है, पार्टी के वफादार हैं, लॉयल हैं, और कभी उन्होंने जो है वो कभी भी उनका पाँव नहीं फिसला। वो तैयारी करें, खूब डट के तैयारी करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब और कामरान करेगा। मॉडल टाउन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। उनका ये भी कहना था कि हर 5 साल बाद ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो तकलीफ़ देते हैं। हमारे साथ जो हो रहा है वो पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। उनका ये भी कहना था कि पिछले 4 बरसों में इस मुल्क से बहुत तरक्की हुई है, मईशियत बेहतर हो रही थी, सरमायाकारी भी बेहतर हो रही थी। ऐसे हालात की वजह से हम 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे हो जाते हैं। उनका ये भी कहना था कि आइंदा इलेक्शन में वोट को इज्जत दिलवाएंगे। उनका मजीद कहना था कि मेरे खिलाफ केस में कोई हकीकत नहीं और उन केसेस के फैसले मुझे खौफजदा नहीं कर सकते। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। कारकुनान से खिताब के दौरान उनका ये कहना था कि अगर हम यूं ही मसाइल का शिकार रहे तो हम सब मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर इस मुल्क का हाल यही रहा तो आगे 1 कदम बढ़ाएंगे और 2 कदम पीछे जाते जाएंगे। और उससे ऊपर बड़ी खूबसूरत के साथ और शफाफियत के साथ मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कर सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ के अपने माजी के अदवार के मुकाबले में ये दौर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन दौर था। इसका मैं ज़ाती तौर पर गवाह हूँ, क्योंकि ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े जो मंसूबे, ख़ास तौर पर बिजली के मंसूबे, और ये आज ये बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, और कई मरतबा मैं ये बात मुख्तलिफ औकात में कह चुका हूँ, आज ये बात मैं फिर ये इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कहना चाहता हूँ कि अगर
سی پیک کے ساتھ اور سی پیک کا جو منصوبہ پاکستان آیا اس کا سارا کریڈٹ میاں نواز شریف کی قیادت کو اور پاکستان اور مسلم لیگ نون پہ جاتا ہے. سی پیک کے بڑے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کوئلے کی بنیاد پر چلنے والے منصوبے ساہیوال آپ روز گزرتے ہیں وہاں سے, جو بھی دوست وہاں سے بزرگ بہنیں گزرتی ہیں, پورٹ قاسم, یہ دونوں منصوبوں کو ملا لیں جو کہ دن رات بجلی مہیا کر رہے ہیں, تو یہ دونوں منصوبے 2700 میگا واٹ پاکستان کو بجلی دے رہے ہیں دو منصوبے, اور تاریخ میں اس سے سپیڈی کمپلیشن کا ریکارڈ کوئی نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ میاں نواز شریف نے جو فیصلہ کیا کہ سی پیک کے علاوہ بھی ہم اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے قومی خزانے سے پنجاب کے خزانے سے ہم منصوبے بجلی کے مزید لگائیں گے, تو وہ ہے اصل ویژن جو بصیرت سیاسی سوچ جو اس وقت اپریل 2015 میں میاں نواز صاحب نے بطور وزیر اعظم وہ دکھائی, اور آج اس فیصلے کی بدولت وہ 3600 میگا واٹ سی پیک کے علاوہ گیس پر چلنے والے منصوبے بکی میں, حویلی بہادر شاہ جنگ میں اور ادھر بلوکی میں, یہ تینوں منصوبے نہ صرف مکمل ہو چکے الحمدللہ, اس وقت ہزاروں میگا واٹ بجلی جو نیشنل گریڈ کو مہیا کر رہے ہیں, چوتھا منصوبہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ 1250 میگا واٹ کا بڑی تیزی کے ساتھ وہ مکمل ہونے جا رہا ہے اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں, وہ بھی پاکستان کے اور پنجاب کے اپنے خزانوں سے عوام کے وسائل سے وہ منصوبہ مکمل کیا. اس طرح 5000 میگا واٹ سی پیک کے علاوہ, یہ بتائیں مجھے کہ وہ 70 سال میں کون سا موقع تھا کہ اس طرح کی ترقی اور خوشحالی کے لیے, یعنی دن رات کام ہوا. آپ دیکھیں نیلم جیلم 20 سال سے وہ رینگ رہا ہے, ابھی اس کا وزیر, اب وہ بھی میاں نواز شریف صاحب نے پچھلے 4 سال اس کو دھکا دیا ہے اور ابھی اس کا افتتاح کیا ہے, 985 میگا واٹ کا منصوبہ ہے, مگر ابھی وہ 140 میگا واٹ دے گا, پھر اگلے مہینے 140 میگا واٹ دے گا, پھر اگلے مہینے 140 میگا واٹ دے گا, اور اس کے اوپر جو رقم کتنی صرف ہوئی, $5000 $5 بلین یعنی 500 ارب روپے, اور یہ جو ہم نے اپنی جیب سے میاں صاحب کی لیڈرشپ میں لگائے ہیں 4 منصوبے, وہ 5000 میگا واٹ کے لگائے ہیں, اور یہ صرف 985 میگا واٹ, اور ہمارے جو منصوبے لگے ہیں 5000 میگا واٹ کے, وہ اس کے مقابلے میں حساب کریں تو شاید آدھی قیمت پر, $2500 میں. اس طرح قوم کو کھایا گیا اور دھیمک کی طرح چاٹا گیا کرپشن نے, اور کئی مثالیں بتا دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ خدمت جو میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس ملک میں ہوئی, اور آج تمام تر نامساعد حالات کے باوجود یہ جو ہمارا جو نیشنل جو گروتھ جی ڈی پی کا بھی یہ فگر آیا ہے وہ یعنی 5.8%, 13 سال میں سب سے بڑا یہ گروتھ ہے اس سال کا پاکستان کی ترقی کا. اسی طرح زراعت نے 13 سال میں تقریباً 4.5% اس میں ترقی دکھائی ہے, اور درجہ بدرجہ. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عوام کی غربت اور بےروزگاری کے خاتمے کے لیے یہ جو اقدامات کیے گئے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اس بے چینی سے اور انسرٹینٹی سے معاملات پھر خرابی کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اتحاد اور مکمل اتفاق ہونا چاہیے. جو لوگ چھوڑ گئے ہیں ان میں بعض تو لڑے آزاد تھے, لیکن جو اپنی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے لڑ کے جنہوں نے چھوڑا ہے وہ بہت تھوڑے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوامی رائے, عوام کا جو ایک تڑپ ہے
वो भी उनको दिन रात उनको हॉन्ट कर रही होगी कि उन्होंने ये गलत फैसला किया, जिस बिना पर भी किया उनका ये फैसला गलत था और उनको इस फैसले की उनको यकीनन कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर इत्तेहाद और बामी यकीनत के साथ और जो छोटे मोटे इख्तलाफात हैं उनको हमें खुद बैठ के ज़िलों में तहसीलों में उनको ख़त्म करना चाहिए, ताकि इस वक्त जो बड़ा मुकदमा है पाकिस्तान की यकजहती तरक्की और खुशहाली का, हमें उस तरफ जाना चाहिए। और अगर इलेक्शन में हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका मिला तो यकीनन कराची से लेकर तुरखम तक आवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का ये सफ़र जो है तरक्की का जारी जारी होगा। खिताब करते उनका कहना से खिताब कर रहे थे कानकुरान से खिताब के दौरान, उनका यह कहना था कि सी पैक का सारा क्रेडिट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है। इस मुल्क में कोयले की बुनियाद पर चलने वाले और दीगर पोर्ट कासिम जैसे मंसूबे जो है 2700 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। तारीख में इतनी कम मुद्दत में इतनी तरक्की नहीं की गई। 5000 मेगावाट के मनसूबे मुकम्मल हो रहे हैं। दिन रात मेहनत के बाद हमने ये मनसूबे मुकम्मल किए। 985 मेगावाट काली लंजलम प्रोजेक्ट जो है आवाम के लिए बिल्कुल तैयार है। इन तमाम मसाइल के बावजूद हमारी GDP अब तक की सबसे ऊँची सतह पर कायम है। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ गुजरांवाला और फैसलाबाद के रहनुमाओं से खिताब कर रहे थे। उनका मजीद ये भी कहना सामने आया कि सी पैक मंसूबा सारा क्रेडिट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है। इस मुल्क में कोयले की बुनियाद पर चलने वाले और पोर्ट कासिम जैसे मंसूबे 2700 मेगावाट बिजली फराहम कर रहे हैं। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे थे, आपको बताएं कि मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ गुजरांवाला और फैसलाबाद के रहनुमाओं से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना है कि आवाम का एक बार फिर से समंदर उमड़ेगा और हमें वोट दिया जाएगा। हम वोट देकर दोबारा इक्तदार में आएंगे और वोट के तकद्दस को पामाल नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ कारकुनान से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था कि सी पैक का सारा क्रेडिट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है। इस मुल्क में कोयले की बुनियाद पर चलने वाले और पोर्ट कासिम जैसे मनसूबे 2700 मेगावाट बिजली फराहम कर रहे हैं। तारीख में इतनी कम मुद्दत में इतनी तरक्की नहीं की गई। 5000 मेगावाट के मनसूबे मुकम्मल हो रहे हैं, जबकि हमने दिन रात मेहनत की है, आवाम तक मेहनत पहुँचाई गई। नीलम जेलम 985 मेगावाट प्रोजेक्ट के हैं जो हमने आवाम के लिए बिल्कुल तैयार कर रखे हैं। तमाम मसाइल के बावजूद हमारी GDP अब तक की सबसे ऊंची सतह पर कायम है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको एक बार फिर से अपडेट करें कि मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ गुजरांवाला और फैसलाबाद के रहनुमाओं से खिताब कर रहे थे।